भाई स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल टैग दीपक रसगोन में। आज मैं आपको क्या बताऊंगा कि जो अपने मार्केट में ऑलरेडी फोल्डर होते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के फोल्डर होते हैं, जैसे कि जिनमें फिंगर वर्क करता है, तो उसमें एक तो अपना प्रॉपर केयर ओजी, ठीक है, और एक अपना मार्केट का जो एमोलेड डिस्प्ले आता है, और एक अपना केयर का ऑलरेडी डिस्प्ले होता है। तो इसमें कौन सा बेस्ट है, अपने को कौन सा लगवाना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। इनके ब्राइटनेस लेवल के बारे में, कोरिल्ला ग्लास के बारे में, इनके प्रोटेक्शन के बारे में, इसके डिस्प्ले के बारे में, इनमें डिफरेंट, इसमें मतलब इसका प्राइस, ये सब कुछ मैं आपको इसमें इंक्रीज करके जो भी है मतलब इसमें टोटल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो इसमें लास्ट टाइम रहना, इसमें कोई सा मॉडल हो, चाहे वन प्लस का हो, चाहे सैमसंग का हो, वीवो, ओप्पो, रियलमी, चाहे कोई सा जिसमें आगे फिंगर काम करता है, तो उसकी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि हमें फोल्डर कहाँ पे लगवाना चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है। तो अब हम वीडियो पे आगे मतलब इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो देखो, ये मार्केट का केयरओजी फोल्डर है, ये अपना है, अपना सर्विस सेंटर का, ठीक है। ये दोनों ओरिजिनल की क्वालिटी में कहलाते हैं, ये ओएलईडी है, ये भी ओएलईडी है, ठीक है। एमोलेड डिस्प्ले दोनों है, ठीक है। ओएलईडी और एमोलेड में फर्क होता है, तो ये एमोलेड में कहलाती है जितनी भी आजकल डिस्प्ले आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, जो अपनी ये अपनी फोल्डर की निकाली हुई है, ये S1 का फोल्डर है, ठीक है। S1 और S1 Pro में एक ही फोल्डर लगता है, तो ये भी S1 का ही है, ठीक है। तो अब देखो, मैं इसमें सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसमें जो पहली बात होती है वो तो होती है कि जो अपना मार्केट का होता है ना, इसमें अपने को कॉर्निन गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिलती है, ठीक है। तो इसका तो हम कह नहीं सकते कि इसमें अपने को वो होती है, तो इसकी जो ग्लास की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा मतलब इतनी बेस्ट नहीं होती है, तो इसकी बेस्ट होती है, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है, बाद में आपको रेट के बारे में बताऊंगा। दूसरी जो बात आ जाती है दोस्तों कि जो इसका प्राइस होता है, वो इसका इसका प्राइस तो है अपने मार्केट में जो एमोलेड डिस्प्ले अपने को मिलेगी, ये 2400 रुपये की समथिंग मिलेगी, ठीक है, और इसका प्राइस जो है 4200 रुपये में। तो इतना डिफरेंस इसमें अगर आखिर में दे रहे हैं तो कंपनी वाले किस लिए दे रहे हैं, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो इतना अंतर क्यों है, एक तो इसकी क्वालिटी में फ़र्क मिलेगा अपने को, ठीक है। वेट वेट हालांकि सेम ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी बात, आप डिस्प्ले को थोड़ा सा गौर से देखें तो डिस्प्ले में अपने को फ़र्क मिलेगा। ये डिस्प्ले में आप नोच कट देख सकते हो और इधर देख सकते हो, तो डिस्प्ले की जो मतलब साइज है इंक्रीजिंग, मतलब ये फुल डिस्प्ले में मिलेगा अपने को, ये थोड़ा छोटा मिलेगा साइज में। देखिए इस तरह से देख सकते हो, साइड में से साइड कॉर्नर में भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है, और यहां से भी देख सकते हो। तो अपने को इसमें डिफरेंस मिल रहा है, देखिए इस साइड में देखिए कितना मतलब इसमें कट है, इसमें कितना कट है, इसमें कितना कट है, ठीक है। और दूसरी बात, जो इसकी स्ट्रिप का पत्ता होता है बिल्कुल मतलब फ्लैक्स मतलब बिल्कुल बॉन्ड किया हुआ होता है, और इसमें थोड़ा सा अदर रहता है, जिससे कि मतलब अपना अदर रह जाता है और फिंगर कभी कभी वर्क भी नहीं करता, और करता भी है तो मतलब कम करता है, तो ये प्रॉब्लम भी अपने साथ आती है, ठीक है। तो ये जो फोल्डर होता है ये अपने केयर में लगाते हैं, इसको अगर प्रॉपर आप वैसे भी अगर फ्रेम में लगा देते हैं तो अपने किसी कैलिब्रेशन वगैरह कोई जरूरत नहीं होती, कोई नीड नहीं होती, तो ये क्या है प्रॉपर फिट होता है, ठीक है। क्योंकि जो इसकी जो मतलब आप मोटाई देख सकते हो, ठीक है, ये S1 की देखिए आप, ये अपना जो ओरिजिनल है एमोलेड डिस्प्ले, इसकी जो मोटाई है वो कम है और इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये फिटिंग में भी थोड़ी दिक्कत करते हैं और काफ़ी इनमें प्रॉब्लम आती है, और ये चलने में भी मतलब इतने बेस्ट नहीं चलते हैं, बाद में इनकी टच वगैरह काम बेकार काम करने लग जाती है, तो वो चीज़ भी है, ठीक है। और दूसरी बात, जो इनका पीपीआई लेवल है एमोलेड डिस्प्ले की, ओरिजिनल पीपीआई लेवल, पीपीआई क्या होता है दोस्तों, ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है। जितने मतलब ज़्यादा पीपीआई होगा उतने ही मतलब अपने को ग्राफिक मतलब अपने को अच्छा देखने को मिलेगा, अपने को क्लियरिटी अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्लियरिटी में भी फर्क मिलेगा, जो ओरिजिनल की पीपीआई होती है, पीपीआई लेवल होता है, वो 400 से लेके 400 से ऊपर तक भी पाया जाता है, 404 408 इस तरीके के। तो इसको मैं यूज भी करके देखा, चेक भी करके देखा, थोड़ा सा पीपीआई लेवल भी इसका अपने को ग्राफिक्स में भी फर्क मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में नीट्स की बात कर लेते हैं। नीट्स एक लेवल होता है, एक यूनिट होती है जिससे कि ब्राइटनेस चेक की जाती है। तो ओरिजिनल एमोलेड डिस्प्ले की आजकल जो मतलब नीड्स होती है वो 800 से लेके 1000 तक भी पहुंच गई है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब ब्राइटनेस लेवल भी अपने को मार्केट में कम मिलेगा, और रेट का थोड़ा सा फर्क जरूर है। और फिर दूसरी बात दोस्तों कि मार्केट में जो फोल्डर अपने को लगाया जाएगा वो विद फ्रेम में अपने को नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, और फिर अपने ग्लू वगैरह लगाया जाएगा, तो ग्लू लगने से भी मतलब कई बार पत्ते वत्ते में ग्लू चला जाता है, तो अपने को दिक्कत आती है, ठीक है। और वहां पे अपने को क्या डबल टेपिंग मतलब टेपिंग होती है उनकी, और वो केयर में ही अपने को मिलता है, ठीक है, तो फिक्स होके मिलता है। तो मेरी सलाह यही है दोस्तों कि अगर आप कहीं भी कभी भी कोई सा भी फोल्डर लगवाते हो, वन प्लस का, सैमसंग का, वीवो का, ओप्पो का, रियलमी का, कहीं पे भी आप मतलब फोल्डर लगवाना चाहते हो, तो आप केयर में ही फोल्डर लगवाएं, ये बेस्ट रहेगा, फिंगर वर्क करेगा। स्पेशलिस्ट मैं फिंगर के लिए बता रहा हूँ, अगर आपकी IPS LCD है, साइड में फिंगर है, बैक में फिंगर है, तो आप मतलब मार्केट का भी लगवा सकते हो, ठीक है।
बाकी आप पे डिपेंड करता है, फिंगर इसमें भी वर्क कर जाता है, कुछ ट्रिक्स अपनानी होती हैं, लेकिन ये बेस्ट रहता है अपने लिए सर्विस सेंटर वाला। तो आप मतलब ज्यादा मतलब उसमें चक्रव्यूह में ना फंसे और आप सीधा मतलब सर्विस सेंटर में जो इन डिस्प्ले के फिंगर होते हैं इनको वहीं पर लगवाएं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो बढ़िया भी चलेगी, क्वालिटी बढ़िया चलेगी और टच वगैरह भी काम बढ़िया करेगी, अपने ग्राफिक्स भी अच्छे मिलेंगे, ब्राइटनेस लेवल भी अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा रेट का फर्क जरूर है, तो इतना आपको अफोर्ड करना होगा क्योंकि महंगे फोन होते हैं आजकल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।